हमारे लड्डू बनके तैयार हैं और ये बहुत अच्छे लड्डू बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। तो अगर आपको भी अगर परफेक्ट लड्डू बनाना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उसमें मैंने बताया भी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे लड्डू बने कैसे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सेब। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 200 ग्राम बेसन ली हूँ और इसका ना जो डो बनाएंगे वो हम बहुत सख्त बनाएंगे। तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके ही पानी ऐड करेंगे और इसका टाइट डो बना लेंगे। हम इसमें थोड़ी थोड़ी सा पानी ऐड करेंगे और इसका टाइट डो हम बना लेंगे। बेसन है ना, इसमें बहुत कम पानी लगता है, यूज होता है और ये बन जाता है। ये अगर थोड़ी सा भी अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ये लूज हो जाएगा, गीला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी सा ही पानी डालेंगे और आधे कप पानी में हमारा ये डो बनके तैयार हो जाएगा। बस हमको थोड़ी थोड़ी सा करके ऐड करना होता है पानी। और इसमें हम नमक वमक कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमको लड्डू बनाना है ना इसके, तो उसमें फिर नमक ऐड करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम नॉर्मल बस ऐसे ही मार लेंगे आटा। ये हमारा बन गया है, ये देखिए कितना सा पानी लगा, बस आधे कप से भी कम पानी लगा। बिल्कुल टाइट डो हमारा बन के तैयार हो गया है, ये देखिए बहुत टाइट है। इसमें थोड़ी सा ऑयल लगा के और कर दूंगी, ठीक हो जाएगा। फिर इसमें हम बस थोड़ी सा, ये देखिए इतना सा बस हाथ में ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से ऊपर से लगा लेंगे जिसमें कि ये हाथ में हमारे चिपकेगा नहीं, बाद में हाथ में भी नहीं चिपकेगा और जो नमकीन मेकर है ना उसमें भी नहीं चिपकेगा। ये मैं यहाँ पे सेव मेकर ली हूँ और इसमें ना दो जालियाँ होती हैं, इसमें ये दो जाली होती हैं, एक पतले छेद वाली और एक मोटे वाले। तो हम इससे बनाएंगे, मोटे वाले से बनाएंगे, इससे अच्छे बनते हैं लड्डू बनाओ ना तो इससे अच्छे बनते हैं। इसमें थोड़ी सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये कड़ा डो रहता है हमारा, तो थोड़ी सा निकलने में ना इसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब बन तो जाते हैं लेकिन थोड़ी सा टाइट बनते हैं। अगर आपके पास ताकत हो तो आप बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी लेकिन बन जाते हैं। आपको जिसमें पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं। इसमें मैं ऑयल लगा लूँगी इसके चारों तरफ, फिर ये जो हमने डो बनाया हुआ था वो डाल लेंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। इसमें मैं जाली लगा ली हूँ और इसके चारों तरफ ऑयल भी लगा ली हूँ और ये हमारा जो ये डो था इसको हम इसी में डाल देंगे और फिर इसका ढक्कन बंद करेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। एक तरफ में कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दी थी, अब हम बनाएंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, इसको चारों तरफ ऐसे घुमाते हुए ये निकलती जाएगी और हम डालते जाएंगे। ऐसे थोड़ी थोड़ी करके हम डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे क्योंकि ये जो डो होता है बहुत टाइट होता है, तो एक साथ हम सारा नहीं डाल सकते, ज़्यादा नहीं डाल सकते, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके ही डालेंगे और बना लेंगे अच्छे से, तल लेंगे इसको। फ्लेम मीडियम में रखेंगे और अच्छे से सेक लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपने सारे डो की बना लेंगे। जैसे ये हमारी तल गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे, ऐसे तलना होता है इसको। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट में, और फिर दोबारा से फिर हम बना लेंगे ऐसे ही।
ये हमारे सेव बन गए हैं। अब हम इनको तोड़ लेंगे, छोटा छोटा कर लेंगे इसी करके ना, इनको छोटा छोटा कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक पाव गुड़ ली हूँ, उसको छोटा छोटा सा तोड़ ली हूँ। यहाँ पे मैं मोटे तले वाली कढ़ाई ली हूँ और उसमें मैं थोड़ी सा घी डालूंगी, थोड़े से ही डालना है, इससे ना शाइनिंग बहुत अच्छी आती है लड्डुओं की। और फिर हम ये अपने जो हमारा ये गुड़ था उसको डाल देंगे, और इसी में थोड़ी सा पानी ऐड करेंगे, थोड़े से ही डालना है, और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हमारा गुड़, फिर इसकी चाशनी टाइप की बन जाएगी ना। ये हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये चाशनी बनके हमारी एकदम तैयार हो रही है। उसको देखने के लिए कि ये अच्छे से हुई कि नहीं, मतलब ये लड्डू बनने लायक हुई कि नहीं, तो हम पानी में थोड़ी सा डाल के देखेंगे। अगर इसका गोल गोल बॉल टाइप की बन जाती है, मतलब ये चाशनी हमारे लड्डू बनने लायक हो गई है। ये देखिए अभी ये ना बिखर सी रही है, मतलब ये अभी अच्छे से हुई नहीं, इसको थोड़ी सा और भिगाने देते हैं। मतलब इसकी पहचान है ये कि पानी में डालो और ये बंधने लगे ना, तो आपकी चाशनी पर चाशनी जो है परफेक्ट हो गई, बन गई है। दो मिनट और हो जाए फिर हम चेक करते हैं इसको। अब हम एक बार और चेक करके देख लेते हैं, 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए, मतलब चेक करने के बाद 2 मिनट हो गए। अब हम थोड़ी सी और डाल के देख लेंगे। ये बनने बन गई अच्छे से, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे बन गई ना। अब हमारी ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। तो हम हमारी ये जो सेब बनाए हैं हम, अब हम इसी में डाल लेंगे। इसको बंद कर देंगे और फिर ये से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी सा ठंड, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो गर्म गर्म तो हम बांध नहीं सकते, थोड़ी सा ठंडा हो जाने देंगे और फिर उसके बाद बांध देंगे। थोड़ी सा ठंडा होगा मतलब हाथ में हम ऐसे बांधें तो जले भी ना हमारा हाथ, थोड़ी सा कुनकुन ही रहेगा, गर्म ही रहेगा थोड़ी थोड़ी, और फिर हम बांध लेंगे लड्डू अपने। ये हमारा थोड़ी सा ठंडा हो गया है, हाथ में ऐसे पानी लगाएंगे और फिर थोड़ी थोड़ी सा ले लेके ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू बनके तैयार हैं और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन लड्डुओं को बनाने में 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहले तो जब हम डो लगाते हैं इसका, तो वो टाइट होना चाहिए, वो पूरी से थोड़ी सा टाइट हो। और दूसरी बात का ध्यान रखा जाता है, जब हम चाशनी बनाते हैं तो वो जो चाशनी बनती है, तो एक कटोरी में डाल के देखें पानी में, तो उसकी बॉल बन जाए, तो वो हमारी परफेक्ट चाशनी है, इससे बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। अगर आपको मेरे लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।